बस मैंने सुबह का आपको काम दिखा दिया, पूरी वीडियो बनाई है कि क्या करती हूँ। और बहुत अच्छी सी मैंने कढ़ी बनाई है पकोड़े वाली, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, तो आप पूरी वीडियो देखना। वीडियो देखने के पैसे नहीं लगते, आप लोग देखते ही नहीं हो मैं कितनी अच्छी अच्छी बातें विचार बताती हूँ, ये मुफ्त में बताती हूँ मैं तो। ये अगर मुझे कोई बताए तो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत सुनती हूँ, तो प्लीज मेरी भी कुछ, मैं आपसे बातें करती हूँ तो मेरी बातें सुने करे। कई फ्रेंड मेरी है, अगर मैं नई बात बताती कोई भी पॉजिटिव, तो मुझे फिर फोन से कहती है कि आपने आज पॉजिटिव विचार नहीं बताए, तो इसलिए मैं फिर बताती हूँ। फिर भी आप सुनोगे तो अच्छा ही लगेगा, खराब तो नहीं लगेगा। और विचार प्रेरणा मैंने बता दी, और एक मेरा खुद का ही है कि अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखकर ऐसी जगह चिपकाती है जहां आपकी नजर हर वक्त उस पर पड़ती हो। अपना लक्ष्य अगर हासिल करना है तो, जैसे कि जंगल में हिरन सूर्योदय होते ही उठ जाता है, जो सबसे सुस्त हिरन है वो भी शेर से तेज दौड़ने की सोचता है, और फिर उधर शेर सोचता है कि अगर मैं तेज नहीं दौड़ूंगा मैं हिरन से तेज दौड़ूंगा, अगर तेज नहीं दौड़ूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। इसलिए इसलिए यही साबित होता है इससे हमें कि हमें रोजाना सूर्योदय होते ही अपने लक्ष्य की ओर पहुंचना चाहिए। असाधारण काम को भी हम आसान काम बना सकते हैं। ये आज मेरी आपसे पॉजिटिव कुछ बातें थी, तो प्लीज आप बताना कि आपको कैसी लगी, और पूरी रेसिपी देखना कड़ी की, मेरा काम देखना रूटीन का जो मैंने बनाया किया। और अब फेस्टिवल तो आ ही गए, तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप मुझे बताया करें कि आपको मेरी ये वीडियो विचार पॉजिटिव बातें आपको कैसी लगती है। तो चलिए फिर मैं एक वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अनुमति। भले ही आप शेर हो या हिरण हो, मेरा कहने का मतलब ये, मैंने अनुमति ले ली थी पर मैं यही बता रही हूँ कि भले ही आप शेर हो या हिरण हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। बस आपको अपने सूर्योदय से होते ही अपने काम पर पहुंचना है, अपना लक्ष्य हासिल करना है, जो हमें करना है, जो हमें चाहिए वो। बस अब मैंने किचन को किया क्लीन, थोड़ा सा किचन को दिखा देती हूँ। अभी मेरी झाड़ू पोछे वाली नहीं है ये, तो अभी मैं नीचे फर्श तो बहुत गंदा हो रखा है, देखो कितना कचरा पड़ा रहता है। और मैंने कर लिया क्लीन बिल्कुल सेल्फ, और ये टाइल्स वगैरह सारी क्लीन कर ली है। इनको अगर हम डेली पूछेंगे तो ये बिल्कुल एकदम साफ रहती है, और डेली सभी पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने इस तरह से, इसमें मेरे खड़े मसाले रहते हैं जो कभी कभी यूज होते हैं, जब कोई भारी सब्जी बनती है, राजमा छोले या पनीर वगैरह, इसमें खड़े मसाले रखती हूँ मैं। और ये इसी की तरह की एक ट्रे है, ये इसमें मैंने बाउल रखे हैं छोटे, ये कोने में मेरी प्लेटें हैं। बस अभी मैं फिर अंदर सफाई करूंगी, बेडरूम ड्राइंग रूम इनकी करूंगी, और फिर कुछ बनाऊंगी। अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी सुबह, आपके साथ शेयर किया था कि अपना मैं मॉर्निंग का काम कैसे किया, तो उसका काम करने के बाद मेरी दोपहर हो गई, फिर मैंने थोड़ा सा लंच बनाया, खाया, रेस्ट किया। अभी मैं शाम का फिर से, शाम को फिर काम बढ़ जाता है, बर्तन हो जाते हैं, दूध आ जाता है, तो आज मैं देखो ये दूध कितना बढ़िया मेरा किस तरह से उबल रहा है, परफेक्ट। और अब मैं बनाऊंगी आज बहुत ही बढ़िया सी कढ़ी। ये देखो मैंने अभी इसको बेसन को क्या किया है कि बेसन को बस छाछ में 20 मिनट के लिए डाल दो ऐसे ही, और वो अपने आप इतना अच्छा फूल जाता है, हमें उसको घोलने की जरूरत नहीं है, बस एक बार कड़छी चला दो। और अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, तो मैं इतनी अच्छी कढ़ी बनाऊंगी, बताऊंगी आपको, पकोड़े वाली कढ़ी, परफेक्ट कढ़ी, स्वाद वाली, ऐसी कि उंगली चाटते रह जाए ये, और कलर देखने में भी इतना बढ़िया, और तीखी नहीं, बहुत ज्यादा मसाले नहीं। इसको मैं किस तरह से तड़का लगाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, और पकौड़ियाँ बनाऊंगी। पकौड़ियों का घोल भी मैंने तैयार कर लिया है, इसमें मैं क्या डालूंगी, सिर्फ नमक और हरी मिर्च काट कर डालूंगी, ऑप्शन है प्याज डाल सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा,
ऐसे लहसुन इसके अंदर कस दूंगी, जो इसकी खुशबू देखते ही बनती है। तो चलिए मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि ये कढ़ी कैसे बनती है, एकदम स्वादिष्ट यम्मी यम्मी। तो सुबह से शाम हो गई, अभी मैं आपको अपना डिनर दिखा रही हूँ। तो स्पेशल कढ़ी और पकौड़ा, ये वाली आप बनाए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, दूसरा काम कर सकते हैं इसको बनाते बनाते। इधर मेरा दूध उबल रहा है, राइस बनाऊंगी, चपाती बनाऊंगी, ये देखो। चलिए फिर मैं दिखाऊंगी आपको। बस अभी मेरी इधर बन गई है कढ़ी, हो गई तैयार, काफी देर तक उबाल दी मैंने, और अब मैं बनाऊंगी इसका तड़का। ये देखो मैंने तेल गरम कर लिया, इसमें डालूंगी मैं राई। और ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची का ये छिलका, इसको आप फिर निकाल देना। और ये दालचीनी, और ये डेगी मिर्च, इसमें रस भर जाता है कढ़ी में डालेंगे, जब कढ़ी का इसके रस भर जाएगा तो ये बहुत टेस्टी लगती है। मैंने पहले भी बताया था, इसे चपाती पर रख के खाए, इसके रस को तो बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर प्याज, और ये बहुत अच्छी सी कढ़ाई बन गई, कढ़ी बन गई। और मैंने बनाई है सॉफ्ट सॉफ्ट पकौड़ियाँ, देखो किस तरह फूली फूली, कितनी टेस्टी। ये मैंने बनाने के बाद थोड़ी देर इनको मैंने पानी में डाल दिया था, जो सारी चिकनाई भी निकल गई और ये सॉफ्ट हो गई कढ़ी में। पकौड़ी सॉफ्ट अच्छी लगती है, बस ये बनाने का इसका तरीका है। अब ये भुन जाएगा, फ्राई हो जाएगी। ये मिर्च देखो, ये फ्राई हो गई, तो मैं इसको पहले ही डाल दूंगी कढ़ी में। अब इसका सूप तैयार हो जाएगा, कढ़ी बन जाएगी, तो मैं आपको बता दूंगी, दिखाऊंगी। और मेरा एक विचार ये है, ना तो आप जल्दी उत्साहित हो और ना ही तुरंत हार मानो, ये मेरा आज का विचार है। अब ये बहुत अच्छा बन जाएगा, इसमें मैं कुछ और सामान डालूंगी, ऐड करूंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और एक प्रेरणा है आज की प्रेरणा यही है, सफल होने के लिए नहीं बल्कि मूल्यवान बनने के लिए प्रयास करो। और कुछ और बातें आपसे करूंगी थोड़ी देर में, बैठ के आपसे कुछ बातें बताऊंगी अच्छी अच्छी पॉजिटिव, जो एक मेरी फ्रेंड बहुत प्यार से देखती है, सुनती है, वो कहती है कि मेरी जान में जाना जाते हैं आप, बातें जरूर क्या करें पॉजिटिव। तो मैं थोड़ी पॉजिटिव बात करूंगी, आप सभी को अच्छी लगती होगी अगर सुनोगे तो, दूसरों के मुंह से तो अच्छी ही लगती है सुनने में, तो मैं थोड़ी देर में वो बताऊंगी, आपसे बात करूंगी और ये कढ़ी दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारी तैयार हो गई। प्लीज जो नए हैं मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर क्या करें, आप कमेंट नहीं करते तो। ये मेरा एक हॉबी है, शौक है इस तरह से आप वीडियो बनाना, दिखाना कुछ कुछ, जो भी अंदर अपने अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान है उनको बांटना, आप भी बांटे, सलाह दे कि क्या करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, मुझे बताए आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से मुझे देखते हो, ये सब मुझे बताना है। तो चलिए फिर देखो ये छोंक कितना अच्छा हो गया, इसमें मैं डालूंगी अभी कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। और थोड़ी सी डालूंगी देखो कसूरी मेथी, दाना मेथी भी डालते हैं कुछ लोग, पर वो कड़वी लगती है, बच्चे नहीं खाते। इस तरह से कसूरी मेथी और घी, बस अभी हो गया तैयार। और अब डाल दूंगी मैं इसके अंदर ये पकौड़े, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो रखे हैं, और ऊपर से डालना है इसके ऊपर फ्लेवर के लिए पुदीना। ये देखो ये बहुत अच्छा लगता है, बस ये मेरी कढ़ी तैयार हो गई। और हाँ आज ये कल मैंने ये बेडशीट बिछाई थी तो मेरी थोड़ी सी क्लिप अधूरी रह गई थी, तो मैं ये थोड़ी सी आज आपको वापस दिखा रही हूँ, क्योंकि आज मैंने यहाँ ये फोटो फ्रेम लगाया है, ये हमारी इसमें पूरे परिवार की फोटो लगी है, बहुत सुंदर सुंदर फोटो लगी है। तो मेरे पास काफी दिन से
रखी थी फ्रेम करा के, अच्छी सी फ्रेम कराई है। तो ये मैंने आज मैंने और बेटी ने बड़े मुश्किल से इसको आज सेट किया है कील लगा के। बड़ी मुश्किल से, थोड़ी दिक्कत तो है पर ये अच्छी लग गई हम दोनों ने, क्योंकि काफी दिन से पड़ी थी। कारपेंटर को बुला रहे थे तो आ ही नहीं रहा था, तो हमने सोचा चलो आज खुद ही ट्राई करते हैं, तो हमने ये लगा दिया। आखिरकार ये सेट हो गई। तो अब बताना ये आपको मेरी दीवार कैसी लग रही है, और ये मेरी बेडशीट इस तरह से। ये बेडशीट बहुत खूबसूरत है, इसी के साथ के मैंने कुशन लगा दिए ब्लू, पीछे पिंक, और इसके मेरे पास पिलो कवर भी है। मैं और अच्छे अच्छे पिलो कवर बनाऊंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बस ये मेरा आज इस तरह का लुक है। बस मैंने सिर्फ आज ये चेंज किया, फोटो लगाया, ये इधर लगाया हुआ है। ये देखो कोने में मैंने सुंदर सी दो बोतल रखी है, ये जो मेरी खुद की DIY है। ये देखो कितनी अच्छी लगती है, DIY बनाऊंगी। आज बनाने वाली थी पर मैं, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं नहीं बना सकी। तो मैं एक दो दिन में फिर आपको DIY बना के दिखाती हूँ। ये देखो ये मेरी खुद की DIY है केटल, और ये मिरर इस तरह से, मेरा TV यूनिट है। हर जगह हमारे फोटो ही फोटो रहते हैं। देखो यहाँ भी हमारी फैमिली के फोटो लगे हुए हैं। ये मेरी डॉटर इन्होंने बनाया था, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत साल हो गए, ये मैंने सुरक्षित कर रखा। ये देखो इस तरह का, ये भी एक मेरे पास बॉक्स है बना हुआ, जरूरत का सामान डाल लेते हैं इसके अंदर। तो बस ये आज का मेरा ये लुक है। ये देखो सबसे अच्छी बेडशीट लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। और ये आज फोटो फ्रेम लगा दिया तो थोड़ा सा अच्छा नयापन आ गया, कमरे का लुक बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा। तो आप बताना कि आपको ये कैसा लगा, मुझे तो अच्छा लगेगा ही, और प्लीज कमेंट क्या करें। चलो।